माँ ने अपनी सेना स्वयं प्रस्तुत कर ली। उनके गण, सिंह और शस्त्र मिलकर महिषासुर की सेना को नष्ट कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं तेरा धनुष तोड़ूंगा, फिर घसीटते हुए महाराज महिषासुर के समक्ष लेके जाऊंगा। माँ ने तो महिषासुर के सेनापति चिक्षुर को बांधकर ऐसा खींचा है कि वो कदापि नहीं उठ पाएगा। किंतु पिताश्री क्यों नहीं आया अभी तक? युद्ध की समाप्ति के पश्चात माँ को कैलाश ले जाने के लिए पिताश्री को यहाँ अवश्य होना चाहिए था। भले ही तुमने चिक्षुर जैसे योद्धा का वध कर दिया, किंतु ये इस युद्ध की समाप्ति नहीं। अब मेरा सबसे शक्तिशाली योद्धा आएगा, जामर। ये स्वयं इतना विशाल काय है, अपने विशाल हाथी पर बैठकर ये असुर अत्यंत भयंकर प्रतीत हो रहा है। जाओ, उस दुष्ट नारी का अंत कर दो, अंत कर दो उसका। अवश्य महाराज। को चुनौती देने वाली तुम्हारे इन हाथों को तुम्हारे शरीर से विलग कर दूंगा मैं। इसका ध्यान भटक गया है, यही उचित अवसर है। माँ, मुझे माँ की चिंता हो रही है। मूषक जी, गणेश जी, ये
आप कहाँ जा रहे हैं? मैं माँ की सहायता करूँगा देवराज, उन्हें अकेले असुरों से जूझते नहीं देख सकता मैं। रुक जाओ पुत्र। पिताश्री, पिताश्री मुझे माँ की सहायता करनी ही होगी। तुम्हारी मातृभक्ति मैं समझता हूँ पुत्र, किंतु पुत्र तुम ये भी समझो कि नियति ने अभी निर्धारित कर दिया है कि दुष्ट महिषासुर का अंत एकाकी तुम्हारी माता के हाथों ही संभव है। उचित है पिताश्री। चुनौती देने वाली तुम्हारे इन हाथों को तुम्हारे शरीर से विलग कर दूंगा मैं। मेरी सेना मिटती जा रही है, अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ, मुझे ही कुछ करना होगा। ए स्त्री, तुम्हारे लिए मुझे सेना की कोई आवश्यकता नहीं। मैं महिष अकेला ही सेना के समान हूं। महिषासुर माता कात्यायनी को छोड़कर किस ओर बढ़ रहा है? माँ की सिंह की ओर। वो माँ के सबसे बड़े सहायक को युद्ध से बाहर करना चाहता है। सर्वप्रथम तुम्हारा वध करूंगा मैं, फिर तुम्हारी स्वामिनी का। शेष नहीं रहेगा।
सिंह, तुम्हारा अंत तो मैं करके ही रहूंगा। महिषासुर अब माँ के सिंह तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि माँ अपनी ऊर्जा के कवच से उनकी रक्षा कर रही है। कात्यायनी, तुम अपने सिंह और गणों को अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रख सकोगी, क्योंकि उसके लिए तुम्हें स्वयं जीवित रहना होगा, और वो मैं अब होने नहीं दूंगा। महानतम महिषासुर अब शीघ्र तुम्हारा अंत करेगा। देवी कात्यायनी का क्रोध तो महिषासुर के वध के बाद भी शांत नहीं हो रहा है। सृष्टि के कल्याण के लिए इनका शांत होना अत्यावश्यक है। अहंकार और अधर्म व्यक्ति के विनाश का कारण बनते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।